नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कुमार विश्वास का गर्ग पर पलटवार, टिकट के लिए रची साजिश। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अंजलि दमानिया के बाद अब कुमार विश्वास भी विवादों से घिर गए हैं। उन पर वह ऑडियो टेप लीक करने का आरोप है, जिसके बाद आप पर विधायकों की खरीद फरोख्त के इल्जाम लगे हैं। कुमार विश्वास ने पूर्व विधायक राजेश गर्ग पर पलटवार करते हुए कहा कि वह पार्टी के एवज में उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ऑडियो टेप का विवाद सामने आने के बाद राजेश गर्ग ने कहा कि यह कैसे सार्वजनिक हुआ उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि यह टेप उन्होंने पार्टी के नेता कुमार विश्वास को ईमेल किया था। खरीद फरोख्त के आरोपों से इनकार करते हुए आप नेता आशीष खेतान ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के साथ संपर्क में रहने में कुछ भी अवैध या अनैतिक नहीं है। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस विधायक वैसे भी अपने दल से संबंध तोड़ना चाहते थे। संघ के मुखपत्र में छपा भारत का गलत नक्शा। संघ को उस समय भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उसके मुखपत्र में भारत का गलत नक्शा छप गया। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के ताजा संस्करण में दक्षिण एशिया का एक नक्शा छपा है, जिसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में दिखाया गया है। संघ की इस गलती को ऑर्गेनाइजर के नियमित पाठक जॉन दयाल ने उस मैप का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेसबुक पेज पर शेयर किया है। बहरहाल संघ ने तुरंत ही गलती स्वीकार करते हुए इसे अपनी वेबसाइट से तो हटा लिया है, लेकिन 15 मार्च के अंक में यह नक्शा छप चुका है। बेंगलुरु पुणे में हो सकते हैं पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले। नागालैंड के दीमापुर में बलात्कार के एक आरोपी की हत्या के बाद गृह मंत्रालय को अब बेंगलुरु, पुणे और गुड़गांव में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ प्रतिघात की आशंका सता रही है। मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों से कहा है कि वे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। एक परामर्श में गृह मंत्रालय ने बुधवार को कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारों से पूरी तरह चौकस रहने और पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। एक परामर्श में गृह मंत्रालय ने बुधवार को कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारों से पूरी तरह चौकस रहने और पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। गृह मंत्रालय ने यह परामर्श तब भेजा जब उसने पाया कि सोशल मीडिया में दीमापुर की घटना के बारे में गलत सूचनाओं से भरा अभियान चलाया जा रहा है। घर खरीदने पर बीवी मुफ्त। इंडोनेशिया में एक घर बेचने के लिए दिया गया एक अनोखा विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीना लिया नाम की एक इंडोनेशियाई महिला ने अपना 2 बेडरूम का एक फ्लैट बेचने के लिए ऑनलाइन एड पोस्ट किया है। मकान की मालकिन ने मकान खरीदने वाले के साथ शादी करने का भी प्रस्ताव रखा है, यानी घर खरीदने पर बीवी फ्री। यह विज्ञापन मकान बेचने के लिए दिए जाने वाले किसी भी आम विज्ञापन जैसा ही है। इसमें एक मंजिला इमारत में बने 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, पार्किंग स्पेस तथा फिश पॉन्ड का जिक्र है। इस विज्ञापन में खास बात यह है कि यदि आप घर खरीद रहे हैं तो आप घर की मालकिन का हाथ भी मांग सकते हैं।